फहीम, हम बात कर रहे थे कि मुदस्सिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी। हम स्टेट की बात कर रहे थे, हम सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि मनफी या मस्बत, लेकिन इसका शऊर आएगा कैसे? स्टेट का तो जो काम है काम है, लेकिन मेरा आपका भी तो काम है इसको आगे पहुँचाना, कैसे करेंगे हम? बहुत जबरदस्त बात की आपने शादिया, और इसका जवाब मैं इससे पहले कि आप उधर आए मैं आपको ये बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, इसकी वजह मोबाइल फोन नहीं है, इसकी वजह हम है, क्योंकि हम माशरे में जो हो रहा है, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, ये तो एंगल है ना फहीम, ये एक चीज तो ये क्योंकि हम नहीं जाने देते, दूसरी वजह ये है कि घर में अगर हम बच्चों को रखेंगे तो उन्हें एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब स्कूल भी बैंगलोर में बनने लगेंगे तो कहाँ ग्राउंड आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा आपको बैंगलोर में? ये तो बिजनेस हो गया ना हमारे स्कूल, अब यही है, यही एक रीजन है कि अब तो स्कूल में भी टैबलेट दिए जाते हैं कि जी आपकी क्लास टैब पे हो रही है, ये लॉकडाउन से पहले। खैर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे भी देखना चाहिए। दूसरा, आपने बताया कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो अभी थोड़ी देर पहले मुदस्सिर ने बहुत अच्छी बातें की और एक इसराइल की एग्जांपल दी कि वहां पर फला फला चीज पे बैन है, वो आप नहीं कर सकते। खैर, वो काफी टेक्निकल बातें थी, सिंपल सी चीज ये है कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने पे बैन है। आपको लगता है कि हमारे यहाँ इस चीज को बुरा समझा जाता है? सर, जापान में 10 साल तक आप बच्चों को मोबाइल और टैबलेट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, लेकिन मैं एक सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्या कभी जिंदगी में यहाँ कोई आम आदमी आप पकड़े, अकल शोर रखने वाला, उससे कहें च्युइंगम नहीं खाएं, इस पे बैन है, वो क्या आपको रिएक्शन देगा? ये वजह है कि उसे एजुकेट करने की जो जरूरत है, जो आपका सवाल है, मैं उसी सवाल में से आपको जवाब दे रहा हूँ कि एजुकेट करने की कितनी ज्यादा जरूरत है कि आपको एक चीज बुरी ही नहीं लग रही। अब सोशल मीडिया की जो बात करते हैं, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह से बात की जाती है, जैसे माफ कीजिएगा मेरा ताल्लुक भी मेन स्ट्रीम से है, आपका ताल्लुक भी है, लेकिन ऐसे बात की जा सकती जाती है जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की दुकानें बंद हो रही हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप सोशल मीडिया पे ऊपर आप न्यूज, जाहिर सी बात है फेक न्यूज बहुत ज्यादा आती है और बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन का जरिया है। जब भी इसी वजह से मुल्क के जितने भी बड़े बड़े सरबराहान हैं, ट्विटर हैंडल उनका अपने पास रहता है, किसी और की बात नहीं होता, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अच्छे में भी यूज कर सकते हैं, बुरे में भी यूज कर सकते हैं, हर तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपकी विल है। अब आपने एजुकेट किस तरह से करना है, आपने एजुकेट वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है कि एक चीज अगर गलत है वो आप दिखाएं और बताएंगे ये गलत है। अगर आप सिरे से उस चीज का इनकार कर देंगे कि नहीं भाई ये तो है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का आज हमारा टॉपिक है यहाँ, लेकिन बात टिकटॉक की हो रही है, तो मैं टिकटॉक को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करता कि नहीं भाई टिकटॉक पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी जो टिकटॉक से डर रही है वो इस वजह से डर रही है कि उनकी दुकानें बंद हो रही है, यहाँ से एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस आ रही है, ड्रामे बन रहे हैं, कमर्शियल में उन्हें लिया जा रहा है और ये सारे काम हो रहे हैं आपके सामने, आप देखें चैनल पे ड्रामे आ रहे हैं उनके, कमर्शियल आ रही है उनकी, तो लोगों को डर, टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया ना, प्लेटफॉर्म मिल गया, इजी एक्सेस मिल गया, बिल्कुल फ्री एक्सेस मिल गया आपको। आपने बताया तलत साहब लंदन गए थे पढ़ने के लिए, भाई इनके पास पैसे नहीं है, ये गांव देहात में रहते हैं, ये लंदन छोड़े नापा नहीं जा सकते जहाँ तलत साहब पढ़ाते हैं,